सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आप सभी को कुछ भी ज़्यादा जानकारी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऑलरेडी जानते हैं सर के बारे में। और यहाँ पर सर का जो है यूट्यूब पर एक सरकारी डीएनए के नाम से यूट्यूब चैनल होता था, जिसमें सर के माध्यम से हर एक ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत ही इजीली तरीके से अप्लाई कैसे करना है, ये सारे प्रोसेस बताते थे। साथ ही दोस्तों, आपको हर एक रिलेटेड वीडियो इनके चैनल पर मिल जाती थी, जिससे आपको हर एक जानकारी को समझने में काफ़ी मदद मिलती थी। तो दोस्तों, हाल ही में YouTube ने जो है यहाँ पर YouTube गाइडलाइंस को वायलेट करने के स्वरूप में इनके चैनल को डिलीट कर दिया है अभी कुछ ही दिन पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है जब एक यूट्यूबर इस मुकाम तक पहुंचता है और इसी के भरोसे दोस्तों, इसी के सहारे उसकी सारी जीवन शैली चलती है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, आप भी अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, एक एक सब्सक्राइबर गेन करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि दोस्तों, सभी को पता है यूट्यूब चैनल पर इतनी आसान भी नहीं है कि कोई भी चैनल बना करके तुरंत मोनेटाइज भी हो जाए और इससे अर्निंग वगैरह भी करने लगे। सो दोस्तों, काफ़ी मेहनत इस पे भी करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने पर। यहां तक कि दोस्तों 1.4 मिलियन कम नहीं होते हैं। इनका एक चैनल जो है अब डिलीट हुआ। और दोस्तों, एक और भाई हैं जिनका जो है यहां पर टेक्निकल बाबा नित्या के नाम से, उनका भी जो है चैनल जो है उनका 4 मिलियन का सब्सक्राइबर वाला चैनल यूट्यूब ने हाल ही में डिलीट किया। तो दोस्तों, यूट्यूब की जो कथन है यहाँ पर, यूट्यूब ने जो है यहाँ पर इनके सर ने एक पासपोर्ट से रिलेटेड कोई जानकारी साझा की थी आप सभी के साथ, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सर के माध्यम से भी कहना है कि उसमें जो जानकारियाँ इन्होंने फिलअप की थी वो एक डेमो के तौर पर फिलअप की थी। हालांकि उसमें कोई भी जानकारी सर के माध्यम से ऐसा नहीं प्रोवाइड किया गया था, लेकिन यूट्यूब का मानना है कि आपने जो है यूट्यूब वायलेंट का यहाँ पर उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से इस वीडियो के कारण जो है इनके चैनल को डिलीट कर दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो जाती है सर का। एक नए जो है यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किए हैं आप, सरकारी डीएनए नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, इस पर इनके इस चैनल को वापस लाने के लिए आप लोग रीट्वीट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें तो सरकारी डीएनए का जो है रीट्वीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, उस पर रीट्वीट करके अपनी जानकारी साझा करें और अधिक से अधिक रीट्वीट करें, ताकि सर का जो है यहाँ पर उनका चैनल आ जाए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं या फिर बड़े यूट्यूबर हैं, आपको सभी को पता है कि इस तरीके से यहाँ पर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए इस चैनल को हम एक मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, अगर आप भी YouTube पर काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग भी कोई ऐसी YouTube गाइडलाइन से रिलेटेड जो YouTube के नियमों को उल्लंघन करता हो, ऐसी कोई भी वीडियो ना साझा करें और अपने चैनल को इन सब समस्याओं से बचाने के लिए ऐसी जानकारी पर रिलेटेड कोई भी वीडियो ना बनाए। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऐसी सर ने जानकारी फिलहाल नहीं बनाई थी, पर यहाँ पर दोस्तों YouTube को लगा कि ये जो गाइडलाइन के अनुसार है इनका उल्लंघन किया गया है, जो इस पासपोर्ट वाले वीडियो में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर वहाँ पे हो गया होगा या फिर हाइड करना भूल गए होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इस चैनल को जो है डिलीट कर दिया गया। रिट्वीट करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जो लिंक दिया दोस्तों, अगर आप मोबाइल पर ट्विटर चलाते हैं ऐप के जरिए, तो ऐप पर भी आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ऐप पर सर्च करेंगे सरकार डीएनए के नाम से तो भी मिल जाएगा। साथ ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ब्राउजर में भी उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहां देख पाएंगे, पहले ही दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पिन किया हुआ सर के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए, आपने यूट्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दी है, तो आपको रिट्वीट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिट्वीट का ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर आपको इस तरीके से जब क्लिक कर देंगे तो आप रिट्वीट में जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं दोस्तों, आप उसे रिट्वीट में लिख सकते हैं। रिट्वीट करने के बाद आप यहां पर देखिए कमेंट के आउट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं यहां पर दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहां से जो अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो और साथ में ट्वीट करें, रिट्वीट करें, ताकि जो है सर का चैनल यहां पर वापस आ सके। फिलहाल दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप ऐसी गलतियों को करने से ज़रूर बचें, ताकि आपको भविष्य में कोई भी ऐसी इंटरफेस का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते दोस्तों अगली वीडियो में और एक नई जानकारी से। तब लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।